जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य, हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। अरे पार्लियामेंट स्पीच है या बॉलीवुड रेशमिया की लिरिक्स? वैसे तो राहुल गांधी ने भरे सदन में हिंदू हिंसक, बीजेपी हिंसक और ना जाने भगवान शिवजी अभय मुद्रा के बारे में क्या क्या कह दिया। लेकिन अब राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा सबको दिखाने का टाइम आ गया। आज हम बात करेंगे कुछ हैरान कर देने वाली फैक्ट्स की, जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर दें। नमस्कार, मैं दिव्या। कांग्रेस की भारत तोड़ो पॉलिसी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। नो द नेशन का काम है भारत के बारे में दुनिया भर में सही जानकारी पहुंचाना। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल नो द नेशन को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। रील राहुल नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में दुनिया भर में भ्रम फैला रहे। आइए करते हैं बालक बुद्धि का फैक्ट चेक। सबसे पहले बात करते हैं 1964 की, जब पंडित नेहरू ने हिंदू साधुओं पर प्रतिबंध लगाया था। यस, दे वर ऑलवेज एंटी हिंदू। 1966 में इंदिरा गांधी ने मिजोरम में अपने ही लोगों पर बम गिरवाए। हाँ, आपने सही सुना, 4 फाइटर जेट्स ने मिजोरम के आइजोल शहर पर बमबारी की थी, जिससे वहां का मेन मार्केट तबाह हो गया था। अब आते हैं 1983 के नेल्ली हत्याकांड पर, जहां करीब 3000 लोग मारे गए। कांग्रेस सरकार का कहना था कि ये सब एक लैंड डिस्प्यूट का नतीजा था, लेकिन हकीकत ये थी कि निर्दोष लोग मारे जा रहे थे और कोई कुछ नहीं कर सका। 1991 में मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में 60% से अधिक आबादी ईसाई धर्म को मानती थी। ये बात सच है, लेकिन इसे भी गलत तरीके से पेश किया गया, जबकि इसे बेहतर तरीके से ऐसे लिखा जा सकता था। देखिए, अब आते हैं 1992 and 1997 के कुकी नागा संघर्ष पर, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। ये संघर्ष जातीय संघर्ष का एक दुखद और संवेदनशील उदाहरण है, जहां सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं 1979 से 2009 के असम हिंसा सबको याद होगा, जिसने पूरे देश को दहला दिया था, जिसमें करीब 20,000 लोग मारे गए थे। ये आंकड़े हमें याद दिलाते हैं कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट भारत में हिंसा ने लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस सरकार ने चुप्पी साध ली। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने दावा किया कि 2024 मणिपुर में हिंसा हिंदुओं ने की। जी नहीं, ये दावा बिल्कुल गलत है। हकीकत ये है कि ये जातीय संघर्ष है, ना कि धार्मिक। It is given a religious twist, but it is not a religious conflict between two religions. It's between two tribes. और ये दशकों से चला आ रहा है, जिससे कांग्रेस राज ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, लेकिन कोई सलूशन नहीं दिया, जिसका सलूशन अब टीम मोदी निकालने की पूरी कोशिश में है और कहीं हद तक सफल भी हुई है। तो दोस्तों, ये था कांग्रेस का असली चेहरा। नॉर्थ ईस्ट के साथ कांग्रेस ने हमेशा से पक्षपात की राजनीति की है, जिसका साफ एग्जाम्पल आपने हमारे इस वीडियो में देखा। राहुल गांधी, कांग्रेस और एलाइज आज भी सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकने में लगे हैं, जबकि देश में उनके शासित राज्यों में हो रही हिंसा और समस्याओं पर उनकी नजर नहीं है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम जागें और सच्चाई को समझें। क्या आप अब भी इन पर भरोसा करेंगे? क्योंकि अब हमें अपना फ्यूचर सोचने की जरूरत है। तो सोचिए, समझिए, सही चुनिए और देश को जानने के लिए स्टे ट्यून्ड टू नो द नेशन। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अग्री और नॉट, दिव्या साइंस ऑफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम।